भाइयों, एनिमल का सैक्रिफाइस क्षत्रिय धर्म में आज से नहीं हजारों साल से रहा है। तेरहवीं सदी की वीडियो देखिए भाइयों। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि राजपूतों को मुगलों के आने के बाद इन्होंने मांस खाना शुरू किया, जो कि सरासर गलत है। राजपूत मुगल क्या तुर्कों से पहले भी सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं। ये रावण रतन सिंह पर बनी है, माँ भवानी का नाम लेते हुए बलि दी गई। राजपूत राजा शिकार भी किया करते थे। राजपूतों के कुल देवियों के पशुओं की बलि भी दी जाती थी। ये परंपरा आज भी उन क्षेत्रों में चल रही है जहाँ पर राजपूतों ने राज किया है। तो भाइयों, कुछ क्षेत्र है जहाँ पर राजपूत योद्धा लड़ गए लेकिन वो राज नहीं कर पाए, अंतिम तक वो परंपरा वहाँ ख़त्म हो गई, जो कि दिल्ली के आसपास के इलाके में है जहाँ राजपूत ये चीज़ नहीं करते हैं। लेकिन आज भी अगर आप राजस्थान जाओगे, वहाँ के भी कुल देवियों के नाम पर बलि दी जाती है, और जब किसी की शादी होती है तो एक बेटे पर बलि जरूर दी जाती है और सभी को प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। यही परंपरा जम्मू और हिमाचल के राजपूतों में है। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी में राजपूताना राइफल्स के सैनिक विजय दशमी के दिन माता जी के बकरी की बलि देते हैं, तो क्या वो क्षत्रिय नहीं? अपनी परंपराओं को जिंदा रखना क्या ये गलत है? तो भाइयों, जहां जहां पर भी ये परंपरा है, हिमाचल, जम्मू या राजस्थान, वो परंपरा अपने कुल देवता साथ लेकर आगे भी चलती रहेगी।